الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلوا عليه. समंदर किनारे एक दरख्त था जिसपे चिड़िया का घोंसला था। एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया बच्चे को निकालने लगी तो उसके अपने भी पर गिरे हो गए और वो लड़खड़ा गया। उसने समंदर से कहा कि अपनी लहर से मेरा बच्चा बाहर फेंक दे। मगर समंदर ना माना तो चिड़िया बोली, देख मैं तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, तुझे रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर अपने गरूर में गरजा और बोला, ऐ चिड़िया मैं चाहूं तो सारी दुनिया को गर्क कर दूं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। चिड़िया ने इतना सुना तो बोली, चल फिर खुश्क होने को तैयार हो जा। इसी के साथ इसने एक ऊंट भरा और उड़के दरख्त पे बैठी, फिर आई घूंट भरा, फिर दरख्त पे बैठी। यही अमल उसने 7 से 8 बार दोहराया तो समंदर घबरा के बोला, पागल हो गई है क्या, क्यों मुझे खत्म करने लगी है। मगर चिड़िया अपनी धुन में ये अमल दोहराती रही। अभी सिर्फ 20 या 25 बार हुआ, समंदर ने एक जोर की लहर मारी और चिड़िया के बच्चे को बाहर फेंक दिया। दरख्त जो काफी देर से ये सब देख रहा था समंदर से बोला, ऐ ताकत के बादशाह, तू जो सारी दुनिया को पल भर में गर्व कर सकता है, इस कमजोर से चिड़िया से डर गया। ये नहीं समझ आई मुझे कि तू उस कमजोर चिड़िया से भी डर सकता है। समंदर बोला, तू क्या समझा, मैं जो तुझे एक पल में उखाड़ सकता हूँ, एक पल में दुनिया तबाह कर सकता हूँ, इस चिड़िया से डरूंगा? नहीं, मैं तो इसकी माँ से डरा हूँ। इस एक माँ से डर गया हूँ कि माँ के जज्बे से डरा हूँ। एक माँ के सामने तो अर्श भी हिल जाता है, तो मेरी क्या मजाल। मैं चिड़िया से नहीं डरा, मैं एक माँ से डरा हूँ। जिस तरह मुझे पी रही थी ना, मुझे लगा कि वो मुझे रेगिस्तान बना ही देगी। माँ अल्लाह सुभान व तआला की सबसे अजीम नेमत है, इसकी कदर करें। अल्लाह ताला हम सबके वालिदैन पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम अपने वालिदैन की फरमाबरदारी कर सकें। असल कहानी है क्या, वालिदैन उनमें खास तौर पे माँ अल्लाह ताला की एक ऐसी रहमत है, ऐसी नेमत है, बचपन से लेके जब तक हयात होती है अपनी औलाद के साथ जुड़ी होती है। बचपन हो तो भूख बच्चे के लगेगी, तड़पेगी वो। सर्दी बच्चे को लगेगी, तड़पेगी माँ। बच्चा बड़ा होगा, रिजल्ट बच्चे का आएगा, डिग्री माँ को मिलेगी। बीमार बच्चा होगा, बीमारी माँ को लगेगी। और अब आप अंदाजा करें, सबसे घर में सस्ता कपड़ा माँ का होगा। और ये भी देखें कि आप अपने घर में अपने रूम में चीजें को पे गौर करें, अपने माँ के रूम पे गौर करें, तो माँ कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे ये चीज लेनी है। माँ हमेशा ये कहती है कि मुझे पसंद ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। बीमार भी होगी तो जोर नहीं देती, यही कहेगी ठीक हूं, ठीक हो जाऊंगी। इतना घना दरख्त होती है ये माँ। मैं हमेशा एक बात सोचा करती थी
कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को माँ से क्यों छवि दी है। तो जब जब मुझे माँ की मोहब्बत नजर आई तो मुझे अपने मालिक पे यकीन मजीद पक्का होता जाता है कि वाकई अल्लाह ताला की मोहब्बत बेहिसाब है, कि हमसे तो एक माँ की मोहब्बत संभाली नहीं जाती। फिर क्या करती है माँ, और हम भी बड़े खुदगर्ज हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगी साथियों, कभी भी अपने दुख माँ को ना सुनाया करो, यहां हम गलत होते हैं। हमारे पास एक ही ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम सारी बातें कर जाते हैं, और माँ एक ऐसी हस्ती है कि मैंने जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने कभी नहीं ये देखा कि माँ उस बच्चे से ज्यादा मोहब्बत करेगी जो कामयाब होगा। हमेशा कमजोर बच्चे से वो ज्यादा मोहब्बत करेगी, जो किसी भी तरह पीछे रह गया हो, जो किसी तरह भी किसी लिहाज से भी, तो वो उसका साथ ज्यादा देगी, वो उसको आगे आगे रखेगी। ये है मोहब्बत। दुनिया में चेक करें ना, आपसे जो कोई भी मोहब्बत करेगा ना, वो आपकी पहले आपसे स्टेटस चेक करेगा आपका। लेकिन वाहद माँ है जिसको स्टेटस से कुछ लेना देना नहीं होता, वो हमेशा कमजोर किसी भी लिहाज से, माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, कोई भी तरीका कार है, बच्चे के मार्क्स कम आ गए हैं, कुछ भी है, तो वो उसकी मोहब्बत उससे और ज्यादा होगी। यही है मामता, यही है मामता। फिर माँ की एक इतनी खूबसूरत आदत है, और इसमें इतनी बड़ी अल्लाह की रहमत है कि आपकी सारी बातें वो सुन लेती है। और मैं गुजारिश करूंगी अगेन कि माँ को कम अज कम इतने दुख ना सुनाया करो। हमारी उम्र और होती है, माओ की और होती है। आप तो शायद अगले दिन ठीक हो जाएं, लेकिन वो नहीं ठीक होती। फिर आप बात सुनाएंगे माँ को, आप तो सो जाएंगे, लेकिन वो नहीं सोएगी। वो सारी रात तड़पती है। उसके लिए वो वही बच्चा होता है जो उसके पहलू में सोया होता है। उसके लिए आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं ना, तो जब आप उसको दुख सुनाएंगे तो वो वही बच्चा समझती है जो पहलू वाला है। वो भूल जाती है कि वो बड़ा हो गया है, वो कामयाब है, वो ठीक कर लेगा, वो हो जाएगा। लेकिन उसको बच्चा वही नजर आता है। और हम भी खुद गर्ज हैं, सारे ही दुख, सारी कहानियां माओ से डिस्कस करते हैं। हम क्या करें, हमारी उनके बगैर सुनता भी तो नहीं ना कोई। और फिर वो जो दुआ है, माँ की अर्श हिला के रख देती है। माँ से अपील किया करें कि वो दुआ करें हम सबके लिए। उनकी दुआ में अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी है। और फिर एक ऐसा रिश्ता जो लाजवाल है, मोहब्बत की ऐसी दास्तान जो अजल से है अब तक रहेगी। माएं कभी नहीं मरती। जब आप माँ को दुख सुनाएंगे तो आपकी वो बुनियाद है जो कमजोर हो जाएगी। अपनी बुनियादों को कमजोर मत किया करें। आपका हौसला, हिम्मत, ताकत, जुर्रत, मोहब्बत माँ है, जिंदगी माँ है। जिंदगी में कमाल, जिंदगी में कामयाबियां, जिंदगी में आपकी वो हसूल जो आपने कुछ हासिल किया, आपकी तालीम, जो भी है ये आपकी माँ की वजह से है। एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा हाथ उठाएगा तो दुआ ही देगा। एक ऐसी मोहब्बत जो बगैर लालच के है। एक ऐसी मोहब्बत भरी दास्तान और मुफ्त में मोहब्बत। पैसे नहीं देने पड़ते आपको, मुफ्त में मोहब्बत, फ्री में बचा के रखती है माँ अपना रिश्ता।
अपने बच्चों से और हम हमारा स्वरूप क्या होता है, हम उसके उलट चल रहे होते हैं। मैं बीमार है तो हम अपने फोन पे लगे हुए हैं, हम अपनी कहानी सुनाएंगे उसके बाद हम अपने काम में लग जाएंगे, वो सौदा लेंगी लेना होगा वो खुद जाएंगी, हम तमाशा देखते रहते हैं, हमें हजारों काम होते हैं। हम बेटियां बेटे सारे ही ऐसे हैं, जब हमें अपना काम होता है तो हम अपनी माँ याद आ जाती हैं, जैसे ही हमारा काम निकला भूल जाते हैं, वो नहीं बताती, हमको पूछना होगा उनसे, बात करें उनसे, मोहब्बत करें उनसे, प्यार करें, जैसे वो आपका माथा चूमती हैं आप भी चूमें, अपनी रूटीन बनाएं, आप उनके पाँव चूमें, उनके पाँव को मालिश करें, उनके हाथ चूमें, देखे फिर दुनिया सिमट के आपके कंधों में आ जाएगी। मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, वो बंदा कभी भी कमजोर नहीं हो सकता जिसकी माँ जिंदा है, और माँ कभी नहीं मरती, माँ हमेशा आपके साथ होती है। मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करूंगी मजीद इसी टॉपिक पे, और फिर हम उस मंजिल की तरफ जाएंगे जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, जिसकी मोहब्बत लाजवाल है, ये सारा जहान ही मोहब्बत पे चल रहा है। मादा प्रस्ती से बंदा कभी जिंदा नहीं रह सकता, मोहब्बत ही हौसला देती है, और जिस घर में मोहब्बत ना हो वो घर घर नहीं होता, वो मकान होता है। ये याद रखें, जितना मर्जी हसीन हो अगर मोहब्बत नहीं ना, मोहब्बत के बगैर कोई चारा नहीं, तो वो घर नहीं होगा, वो मकान होगा। अपनी माओं की खिदमत करो जिनकी हयात है, जिनकी दुनिया से पर्दा फरमा दी है, उनके लिए मगफिरत किया करो, दुआ किया करो, वो आपके साथ होती है। माँ कभी नहीं मरती, माँ हमेशा जिंदा रहती है। और एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं, ताबिश मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और यहाँ पे जिनके बच्चे छोटे हैं, माएं हैं, अब माओं की ड्यूटी, घर में आग लग जाए ना तो आप बच्चे को कैसे उठाएंगे, फिर वो सोया हो आप झिझोड़ेंगी, क्योंकि आपको उस बच्चे को आग से बचाना है। हम ये नहीं कहेंगे उठ जाएगा, उसको बोला है उठो वो नहीं उठ रहा, आप उसको आग से बचाने के लिए सख्ती से उठाएंगे कि उठो आग लग गई है बचाना है। तो मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को उठाओ ना सुबह जहन्नम की आग से बचाने के लिए, वो भी तो आग है ना, अगर दुनियादारी की आग है तो वो उससे कहीं ज्यादा सख्त आग है जहन्नम। बच्चे गोद में हैं, उनको दूर पे लाते हो, फीडर देते हो तो दाएं हाथ में दो, उनको दुरूशी पढ़ना सिखा दो, दुरूशी पढ़ो, उनको एहसास पैदा करो, उनकी इस तरह से आप परवरिश करो, सच सिखाओ, ये आगे चलेगी, ये वो दरख्त है जो घना होगा। ये माओ की भी जिम्मेदारी है, ये हर माँ को सोचना होगा कि क्या सिखा रहे हो, कौन सी दास्तान आप लिखोगे जो कल को आपके लिए पढ़ी जाएगी। अपने रब का कुर्ब दो ताकि वो उसके कुर्ब में जाएंगे तो वो आपके पांव वाली जन्नत तलाश करेंगे ना। लगे रहो वालदैन से मोहब्बत इबादत है, और शिर्क के बाद दूसरा बड़ा गुनाह वालदैन की नाफरमानी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने वालदैन की इताअत फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मजीद बात करेंगे, अच्छी लगी बात तो उसको फॉरवर्ड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।